वीर सपूतों ने अपने प्राण नौछावर कर दिए। दुश्मनों से लोहा लेते लेते उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए। इनमें दो कैप्टन भी थे। वहीं जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर के दो आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि राजौरी में धर्मसाल के बाजीमल इलाके में 36 घंटे चली इस मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर भी शामिल है। बताया भी जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, इसके बाद दहशत फैलाने के लिए बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसपैठ की। राजौरी में आतंकियों के साथ फायरिंग बुधवार को शुरू हुई, जिसके बाद बुधवार रात को इलाके को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग बंद कर दी गई थी। गुरुवार सुबह आतंकियों ने फिर फायरिंग की, जिसके बाद हमारे जवानों ने जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मार गिराए। मारे गए लश्कर कमांडर की पहचान कारी के तौर पर हुई है। ये कारी था कौन? कारी पाकिस्तानी नागरिक और हार्डकोर आतंकी था। उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई। वो लश्कर का हाई रैंक आतंकी था। कारी पिछले एक साल से अपने साथियों के साथ राजौरी पुंछ में एक्टिव था। वो डांगरी और कांटी में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। कारी आईडी एक्सपोर्ट भी था। वो ट्रेन स्पिनर था और घने जंगल में छिपता था, साजिश के तहत हमले को अंजाम देता था। मुठभेड़ के दौरान बुधवार को चार आर्मी जवान भी शहीद हो गए। कैप्टन एमवी प्रांजल। राजौरी में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों में कैप्टन एमवी प्रांजल भी शामिल है। कैप्टन प्रांजल 63 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले सेना के अफसर कैप्टन प्रांजल सिर्फ 28 के थे। वो मंगलौर रिफाइनरी के पूर्व एमडी वेंकटेश के इकलौते बेटे थे। प्रांजल की शादी 2 साल पहले बेंगलुरु के आदित्य से हुई थी। शादी से कुछ समय पहले ही उनकी तैनाती कश्मीर में हुई थी। कैप्टन शुभम गुप्ता। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता भी राजौरी एनकाउंटर में शहीद हो गए। कैप्टन शुभम के पिता बसंत गुप्ता आगरा में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसलर जिला अदालत में हैं। परिवार वाले इस साल शुभम की शादी की तैयारियों में थे। इसी बीच शुभम के शहीद होने की खबर आ गई। शुभम के शहीद होने की खबर जैसे ही सेना की ओर से शुभम के परिजनों को दी गई तो घर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। शुभम की माँ बेसुध हो गई। पिता पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। हवलदार अब्दुल माजिद। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के अब्दुल माजिद भी शहीद हुए हैं। माजिद एक पैरा कमांडो थे। उनका परिवार एलओसी पर जीरो लाइन और सीमा बाड़ के बीच स्थित अजौट गांव में रहता है। माजिद की शहादत की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर है। माजिद की पत्नी और 3 बच्चे हैं। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजनों को बेटे की शहादत पर गर्व है। माजिद के भाई भी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे, जो साल 2017 में पुंछ के इलाके में शहीद हुए थे। लॉस नायक संजय बिष्ट। आतंकी से लोहा लेते हुए उत्तराखंड के संजय बिष्ट भी शहीद हो गए। वो 19 कुमाऊं पैरा में तैनात थे। बिष्ट रामगढ़ के हली गांव के रहने वाले थे। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। संजय की शहादत की खबर सुनते ही उनके परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संजय 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके घर में पिता दीवान सिंह, माँ मंजू, बहन ममता और भाई है। पैरा ट्रुपुर सचिन लॉर्ड। इस मुठभेड़ में अलीगढ़ के जवान सचिन भी शामिल है। सचिन की कुछ दिन बाद ही शादी थी। सचिन के अलावा परिवार में बड़े भाई, माता पिता हैं। सचिन की शहादत की खबर सुनकर पूरे गांव में मातम छा गया। सचिन के पिता किसान हैं। इससे पहले 20 अप्रैल और 5 मई को पुंछ के मढ़ेर इलाके और राजौरी के कांडी जंगल में आतंकी द्वारा घात लगाकर किए गए हमलों में 10 जवान शहीद हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ और आसपास के रिहायशी इलाकों में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 46 लोग मारे गए हैं।